नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जांगड़ा। वेलकम ऑन माय चैनल फॉर यू डिजाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं आपकी हेल्प से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री टूल की। इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री पैनल क्या होता है और ये किस तरह से आपके काम आ सकता है। दोस्तों, जब भी हम कोई वर्क करते हैं उसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनको रिकवर करने के लिए हम अंडू करते हैं, या फिर अगर वो चीज़ हमने लेयर्स में बनाई है तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री ब्रश टूल से आप रैंडमली किसी भी मिस्टेक्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वो आप इजीली इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा है हिस्ट्री ब्रश टूल। आप चाहे तो वाई प्रेस करके भी हिस्ट्री ब्रश टूल ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करें, ये आ गया हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। दोस्तों, फोटोशॉप जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो भी आप वर्किंग करते हैं ये उसको साथ साथ रिकॉर्ड करता रहता है। उसी तरह से हिस्ट्री टूल है जो अब जिसकी हिस्ट्री विंडो में जो भी काम हम करते हैं वो रिकॉर्ड होता रहता है। उसे देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे विंडो, और इसमें जाएंगे हम हिस्ट्री पे, ये है हिस्ट्री, और ये देखिए हिस्ट्री विंडो यहाँ पे खुल गई है। अब आप अगर कुछ भी काम करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ से ये ब्रश टूल ले लेता हूं मैं, और कलर स्वेच ले लेता हूं ताकि आप थोड़ा सा इजिली समझ पाए। देखिए, मैं रेड कलर ले रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर चलाया, और ये देखिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। उसी तरह से अब मैं अगर यहाँ पे ये ग्रीन कलर चलाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब अगर मैं आगे इस पे पिंक कलर चलाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। तो इस तरह से जो भी वर्किंग मैं करूंगा इसमें वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि अगर काम करते वक्त जैसे कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम उसे यहां से भी अंडू कर सकते हैं, यानी उसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो लास्ट वन था वो यहाँ से रिमूव हो गया है, और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप इस तरह से चाहे तो कोई भी मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हैं उसे रिमूव करके। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री पैनल में हम कैसे काम करते हैं, और अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री टूल का इसमें क्या यूज होता है। उसके लिए हम हिस्ट्री टूल ले लेते हैं फिर से, और अब क्या करेंगे, हिस्ट्री टूल से हम देखेंगे कि इनमें से जो काम हमने किया है उसमें से अगर कोई मिस्टेक हुई है उसे वहां से कैसे हटाएंगे। ये देखिए, आपको जस्ट उसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश लेके ड्रैग करना है। तो आप इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जेड करके उसे अंडू कर सकते हैं। पर अंडू और हिस्ट्री इसमें क्या फर्क होता है वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, अंडू और हिस्ट्री कैसे काम करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं इस इमेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो पहले वाली इमेज है वो आ जाएगी, बाकी सब हट जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों, अभी देखिए मैं दोबारा ब्रश टूल ही ले लेता हूँ, और ये देखिए मैं रेड कलर पे क्लिक किया, और फिर मैंने ब्लू पे किया, और येलो, और अब ले लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, अब मैं इसको अंडू करता हूं, ये देखिए ये एक सीक्वेंस में ही अंडू हो रहा है, और इसको अभी रीडू करता हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड करके आप इसे रीडू कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सीक्वेंस में ही रीडू हो रहा है। तो दोस्तों, अंडू और रीडू ये एक सीक्वेंस में ही वर्क करते हैं, आप इसको रैंडमली यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको ये ब्लू कलर हटाना है अगर, तो आप इसको जब अंडू करने जाएंगे ये तो पहले जो चीजें हैं वो भी सारी हटेंगी, तब जाके आप ब्लू कलर तक पहुंचेंगे। पर हिस्ट्री टूल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए, हिस्ट्री टूल लेता हूं मैं यहां से, और हिस्ट्री ब्रश लेने के बाद ये देखिए आप रैंडम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से रैंडमली किसी भी मिस्टेक को ठीक करने के लिए, या उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए जो भी वर्क आपने किया है उसके ऊपर आप हिस्ट्री ब्रश टूल अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों आप इसके साथ साथ अगर आपने अपना वर्क लेयर्स में किया है तो भी आप रैंडमली उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं जो आपने की है, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो आपने अगर वो वर्क अपना लेयर्स में किया है तो आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने ये एक ही बैकग्राउंड लेयर पे किया है तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ आप कितनी मिस्टेक ठीक कर सकते हैं यानी कितनी बार उसका यूज कर सकते हैं वो देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जाएंगे एडिट, उसके बाद हम जाएंगे ये देखिए यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है इसमें, प्रेफरेंसेस, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और यहाँ पे है परफॉर्मेंस। देखिए ये विंडो आपके सामने खुलेगी, ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट्स, इसमें अभी 25 है, यहां से आप इसको बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे मैं देखिए इसको 1000 तक कर सकता हूं और कम से कम हम इसे कर सकते हैं 1 तक, पर बाय डिफॉल्ट इसमें ये होता है 25 से 50 तक, तो आपको भी ये इसी के पास ही रखना चाहिए। और अगर आपके पास काफी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है तो आप इसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप 20 से 25 तक या 30 तक रख सकते हैं और आप उसे ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी लिमिट को सेट कर सकते हैं कि आप कितनी बार इसको यूज करना चाहते हैं। इसे पहले यहां से मिनिमाइज कर देता हूं मैं और इसे अंडू कर देते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए उसके लिए मैं यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल ले लेते हैं अभी और दोबारा कलर स्वाचिज यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए इस येलो कलर के ऊपर मैंने ये पिंक कलर डाला है और ये देखिए येलो कलर मेरा चेंज हो गया है। अब यहाँ से अलग कलर लेते हैं, ये देखिए मैंने ब्लू कलर लिया है, ये इस तरह से इसको चेंज कर रहा है। और अब रेड कलर ले लेते हैं, इसे दोबारा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों देखिए कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज मैंने अच्छे से नहीं किया इसलिए वो कहीं जगह इस फ्लावर से बाहर आ गया है, पर अगर आपको कलर रिप्लेसमेंट का यूज अच्छे से सीखना है उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कलर रिप्लेसमेंट की वीडियो देख के ये इसका यूज अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोबारा हम चलते हैं अपने हिस्ट्री ब्रश टूल पे। ये देखिए मैंने कुछ कलर चेंज किए हैं यहाँ पे और अब अगर हिस्ट्री ब्रश में लेता हूँ ये देखिए इसको यहाँ से रिमूव करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। कलर रिप्लेसमेंट टूल मैं इसके ऊपर यूज कर चुका हूँ और अब हमें इसमें अगला ऑप्शन क्या मिलता है, क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अगला टूल ले लेता हूँ, जैसे ब्रश टूल ही ले लेता हूँ मैं। दोबारा कलर स्वैच ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे चला देते हैं इसके ऊपर और इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब लेते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल दोबारा, ये देखिए नीचे हमने कलर चेंज किया था फ्लावर्स का और ऊपर ये हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर दिए, अब हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे। ये देखिए अब मैं इसे क्लीन करता हूं, इसने क्या किया है जो नीचे फ्लावर्स में हमने कलर किया था उसको और उसके ऊपर जो हमने अलग से वर्क किया वो इसने सारा ही वो यहाँ से रिमूव कर दिया है, यानी जो हमारी पहले इमेज थी जो हिस्ट्री थी उसको सामने ले आया है ये। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर हमने ये ब्रश चलाया है सिर्फ ये हटे पर नीचे की हमारी जो इमेज पे हमने काम किया था वो ना हटे, उसके लिए हम जाएंगे दोबारा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये टिक है, ये इमेज हमारी सिलेक्ट है यानी ये इसे हिस्ट्री समझ रहा है, और अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अब सिर्फ ऊपर वाली इमेज पे ही काम करेगा, यानी जो इमेज मैंने अभी सिलेक्ट की है ये सिर्फ उस पे ही काम करेगा और नीचे वाली को ये भूल जाएगा, यानी ये ऊपर जो इमेज है सिर्फ उसको हिस्ट्री समझेगा। ये देखिए और नीचे जो हमने कलर किए थे वो हमारे एजेस रह जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से स्नैपशॉट का भी यूज आप कर सकते हैं यहाँ से क्रिएट स्नैपशॉट करके, आप चाहे इसमें जितने मर्जी स्नैपशॉट्स बना सकते हैं और उनका यूज अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री ब्रश टूल। अब दोस्तों इसी में हमें अगला टूल जो मिलता है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे या फिर वाई प्रेस करके भी आप इसे ले सकते हैं। अब हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। दोस्तों इस टूल का यूज वैसे आमतौर पे बहुत कम किया जाता है पर फिर भी मैं आपको
थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये किसी भी पिक्चर को एक वाटर कलर इफेक्ट दे देता है, यानी उसको एकदम से पिक्सलेटेड कर देता है। ये देखिए, अभी मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये काफी ऑप्शंस हैं, इसमें जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट करके इनका यूज कर सकते हैं। अभी इसमें लूज कर्ल दिया हुआ है, ये देखिए इसको यूज करूंगा मैं। ये देखिए ये इस पे इस तरह से काम कर रहा है, और इसी तरह से इसमें काफी ऑप्शन दिए हुए हैं। ओपेसिटी वगैरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसका। ये देखिए, अगर आप कम रखेंगे तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, अगर इसको आप 100% करेंगे तो ये एकदम से सॉलिड दिखाई देगा। अंडू करते हैं इसे, और ये देखिए इसको मैं पहले थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है इसमें है टाइट मीडियम। ये देखिए, ये जिस भी पिक्सल पे आप लेके जाएंगे ये उसको कुछ इस तरह से कर देता है। ऐसे इसमें डैब, ये देखिए इसी तरह से दोस्तों इसमें काफी ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसे अंडू कर देता हूं यहां से। इसको आप जिस भी कलर पे रखेंगे, ये देखिए ये उसी तरह के कलर के साथ आपको पैटर्न बना के देगा, यानी जो भी पिक्सेलेटेड पैटर्न ये बनाएगा ये सारा उसी कलर में से उठाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ग्रे पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ग्रे कर देता है, येलो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये येलो कर देता है। दोस्तों आर्ट हिस्ट्री ब्रश में काफी पैटर्न दिए हुए हैं, आप इनका यूज बारी बारी करके देख सकते हैं कि आपका ये किस प्रोजेक्ट में या कहाँ पे आपके काम आ सकता है। पर दोस्तों आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का जो एक और ऑप्शन मुझे समझ में आता है, ये देखिए जैसे ये इमेज है, अगर आप इस इमेज में किसी का फेस हाइड करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये फेस कोई ना समझ पाए ये कौन है, ये ब्लर करना आपको, तो आप इस तरह से इसे ब्लर कर सकते हैं ब्रश का साइज छोटा या बड़ा करके। ये देखिए ये इस तरह से आप किसी का फेस भी धुंधला कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री पैनल ये कैसे साथ साथ में काम करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में भी बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।